हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज मैं आपको रिजल्ट देने वाला हूं, और रिजल्ट मैं देने वाला हूं कल जो मैंने टेस्ट लिया था सोशल साइंस का, ठीक है ना। तो मुझे रिजल्ट देने में आज देर हो गई, ठीक है। जो कल टेस्ट लिए थे 13 तारीख को, उसी का रिजल्ट देने वाले हैं। देखो हुआ था क्या ना, एक गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी कल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, ठीक है ना। 95 स्टूडेंट ने आकर के 5 से 11 के दरमियान टेस्ट दिया था। और हुआ ये था कल कि जो एक लास्ट सवाल था इटली के एकीकरण में, उसमें मैंने आंसर पे टिक आउट करना भूल गया था। यानी कि 4 ऑप्शन था ना, इटली के एकीकरण कब हुआ था 1871 वाला ऑप्शन टिक नहीं किया, किसी को भी टिक नहीं किया। तो लगभग बंदे ने 19 नंबर बनाया, और जिसका जिसका मैं चेक किया हूँ तो सबका 1871 जो है टिक आउट हुआ था। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सबका 20 में 20 नंबर आया। हालांकि इसका PDF जब आप देखोगे तो जिसका जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ ना, इन सबका 19 नंबर वहाँ पे शो करेगा। तो कारण ये है कि उन्होंने 1871 को टिक आउट किया, लेकिन मैंने तो बताया ही नहीं कि ये सही है ये गलत है। टिक ही मैं खुद टिकने लगाया उसमें। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका सही है, फिलहाल आप टॉप वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशन काजल कुमारी, पंकज गया से, रविंदर कुमार, अनिशा कुमारी, अवधेश, दिव्या, दीपक, विवेक कुमार, मुमताज आलम, है ना। और नेक्स्ट है यहाँ पे अबू समा। देखो नाम लिखिए, अब पूरा नाम लिखिए और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा। मनु सिन्हा, आप भी डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। सफदर अली, रागनी कुमारी, वेरी गुड, भोजपुर से हैं। अनिश अख्तर, सरकार देवी, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखे बाबू। और साहिब रजा, अररिया, वेरी गुड। पूनम कुमारी, बलराम, विशाल, आशुतोष, MD नौशाद, नंदनी, MD शाइन, MD नदीम। तो सोच सकते हैं आप वो हीरे हो जो 95 में से निकल के आया हो, ठीक है ना। तो अभी और कंपटीशन तेज़ बढ़ेगा, ठीक है। ये धीरे धीरे इसको और हम आगे बढ़ाएंगे और आगे और भी बेहतर करेंगे, और आगे जाकर आपको इसके लिए मैं गिफ्ट भी प्राइज रखूँगा, ठीक है ना, ताकि आपका और हौसला बुलंद हो, टेस्ट देने में मज़ा आ जाए, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अगर जैसे 95% स्टूडेंट टेस्ट दिया तो कम से कम इसका 50% भी आना चाहिए। तो सोच सकते हैं आप इतना में आप 24 के अंदर आ गए, ठीक है। 24 स्टूडेंट जो 20 में 20 बनाए हैं, ठीक है ना। तो फिर जिनका 18 नंबर आया, जिसका 19 नंबर आया, है ना, हालांकि जिसका लिस्ट में 18 नंबर है तो उसका 19 नंबर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन गलती है तो वो भी मारे हुए, तो एक क्वेश्चन गलती हुआ तो 18 नंबर आया। तो उनसे मुझे कहना कि आप थोड़ा सा होशियारी से आप भी बनाओ, बनाने में आधा घंटा टाइम ले लो, 15 मिनट का टाइम ले लो, 10 मिनट का टाइम ले लो, लेकिन एकदम सही सही बनाइए, ठीक है ना। ओके, वीडियो को लाइक करेंगे और नीचे कमेंट करेंगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और अपना रिजल्ट देखने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करो, डायरेक्ट रिजल्ट वाला पेज खुलेगा और वहाँ पर जा करके PDF डाउनलोड करके अपना चेक कर लेना। ओके, बाय।